नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आप सभी का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। आपकी क्वेरीज और कमेंट्स देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे एक तसल्ली भी होती है कि कहीं ना कहीं मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। आज के वीडियो पर चलते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि यदि म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया है लेकिन अब म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे में उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको वापस लिया जाए या कैसे उसको विड्रॉ किया जाए। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं, सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, पति की भी, दोनों ही की आती हैं क्वेरीज की। उन्होंने म्यूचुअल डाइवोर्स का केस डाल दिया है और अब किसी वजह से वो उसको नहीं चलाना चाहते हैं, अब वो म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपने यदि म्यूचुअल डाइवोर्स डाल दिया है तो उसको कैसे वापस लेना है, कैसे खत्म कराना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है, कोई भी लीगल समस्या है, तो आप मुझे कमेंट्स में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका उपाय बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स को वापस लेने से पहले हम थोड़ा सा म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स होता क्या है एक्चुअली में। देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स तब होता है जब पति पत्नी आपस में सलाह मशवरा करके एक सेटलमेंट पे पहुंचते हैं कि अब उन्होंने डाइवोर्स लेना है। ऐसे में कंटेस्टेड डाइवोर्स की तरफ ना जा करके जो भी उनकी सेटलमेंट है, जो भी उनकी शर्तें हैं, एक दूसरे की शर्तों को मान करके जब वो डाइवोर्स लेते हैं कोर्ट से, तो उसको म्यूचुअल डाइवोर्स कहा जाता है। अब जब म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें जो भी उनकी शर्तें हैं एक दूसरे को वो बताते हैं, और ऐसे में जो भी उनकी सेटलमेंट होनी है या जो भी टर्म्स कंडीशंस आपस में उनकी सेटल होनी है, इसमें वो खुद भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ में बैठ के बात कर सकते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं है कि उनके टेम्परामेंट्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में उनके परिवार वाले, रिश्तेदार या सोसाइटी का कोई भी मेंबर उनकी मदद कर सकता है और ये सेटलमेंट करवा सकता है। तो जब आपस में शर्तें उनको पता हैं एक दूसरे की, और वो अपनी जो भी शर्तें हैं, अपनी टर्म्स कंडीशंस जो भी हैं, उसको वो मानते भी हैं एक दूसरे की शर्तों को, तो ऐसे में एक ज्वाइंट म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन तैयार की जाती है और उसको जो है फाइल किया जाता है कोर्ट में। और ध्यान रखने की बात यह है कि ये ज्वाइंट फाइलिंग होती है। जैसे एक नॉर्मल केस होता है उसमें तो वर्सेस यूज करते हैं, मान लीजिए पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल डाइवोर्स है तो इसमें पार्टी ए एंड पार्टी बी, तो एंड लगता है बीच में वर्सेस की जगह। और जब भी फाइलिंग होती है उसके बाद दो मोशन स्टेटमेंट होती हैं, फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट और सेकंड मोशन स्टेटमेंट। फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट जब फाइलिंग होती है उसके तुरंत बाद ही होती है, और सेकंड मोशन स्टेटमेंट 6 महीने के बाद जो डेट लगती है तब होती है। हालांकि अब इसमें 6 महीने का भी टाइम कम कर दिया गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस दी गई हैं कि जहां पे डाइवोर्स होना ही है तो वहां पे 6 महीने की वेटिंग भी ना की जाए। तो जब सेकंड मोशन हो जाती है उसके बाद डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये तो था छोटा सा कि म्यूचुअल डाइवोर्स होता क्या है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि विड्रॉ की नौबत कब आ सकती है, क्या क्या रीजंस हैं कि आपको ये जो अपना म्यूचुअल डाइवोर्स का है उसको आप विड्रॉ करेंगे, कब करेंगे। देखिए, उसमें सबसे पहला है कि यदि दोनों ही पार्टीज में आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि अब वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं और वो अब इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो ऐसे में जो म्यूचुअल डाइवोर्स डाला है उसको विड्रॉ करना ही करना पड़ेगा। तो एक तो ये है आपका। दूसरा है कि जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अब क्योंकि देखिए म्यूचुअल डाइवोर्स डाला है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी डाला है, लेकिन अब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है किसी भी वजह से, हम उसको भी देखेंगे कि क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है अब पति पत्नी के बीच में, तो इस करके भी विड्रॉ करने की नौबत आ सकती है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यदि टर्म्स कंडीशंस हैं कुछ, जब आपने सिग्नेचर करे या जब आपको वो आपने फाइलिंग करी या आपको जब वो पढ़ाया गया तो आपको उस टाइम टर्म्स कंडीशंस कुछ ठीक लगे, लेकिन जब आप उसको बाद में रिपीटेडली पढ़ते हैं आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है,
मुझे ऐसा कुछ और कहा गया था या इसका मेरे को कुछ और कंटेक्स्ट में कहा गया था, यहाँ कुछ और लिखा है, तो जहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन में कहीं कुछ लगे कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है, तो ऐसे में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है या टर्म्स कंडीशंस आपको ठीक नहीं लग रही हैं, तो आप चाहेंगे कि आप उस टर्म्स कंडीशंस पे नहीं म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते, आपके हिसाब से कुछ टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए या कुछ टर्म्स कंडीशंस उसमें से निकलनी चाहिए या डलनी चाहिए, कुछ भी है टर्म्स कंडीशन में प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है कि इसी में अगर हम टर्म्स कंडीशन में और डीप अगर जाएंगे तो इसमें मेनली जो बातें आती हैं जैसे कि मॉनेटरी है कि जैसे पत्नी को एलिमनी है जो उसको लमसम अमाउंट दी जा रही है, तो उसमें उसके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं या पति की तरफ से ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि नहीं ये तो अमाउंट बहुत ज़्यादा लिखवा ली है, या जब मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ करा था हमने तो उस टाइम अमाउंट कुछ और थी, लेकिन जब मुझे पढ़ाया गया तो कुछ और थी, अब कुछ और है, तो इस टाइप से कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन है या कुछ डिफरेंस आ रहा है कहीं, या ज्वेलरी का कुछ उसमें इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह बच्चे की कस्टडी को लेकर कुछ राइट्स हैं, मान लीजिए कि उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं कि मेरे को विजिटेशन राइट्स नहीं मिले हैं या मेरे को जो है कस्टडी नहीं दी जा रही है, तो इस तरह के इश्यूज जब आते हैं तो टर्म्स कंडीशंस में ज़रूर ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। इसी तरह जो मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके साथ साथ एक और भी है कि मेरा तो उसमें कंसेंट ही नहीं था, मुझसे तो जबरदस्ती साइन करवा लिए या मुझे प्रेशर दे करके मेरे जो बाकी सारे रिश्तेदार थे या उनके रिश्तेदार थे उन्होंने किसी तरह मुझको इन्फ्लुएंस करके उससे साइन करवा लीजिए, ये किसी भी तरफ से हो सकती है, पत्नी या पति, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें होती भी हैं कि साइन कराने के बाद जब कोर्ट में डल जाता है तब पार्टीज को लगता है कि नहीं ये कंडीशन ठीक नहीं है या मुझको ऐसे साइन नहीं करने चाहिए थे, मुझे पढ़ाया नहीं गया, मुझसे पूछा नहीं गया, मुझको डिटेल में बताया नहीं गया, तो ये चीज़ें सबके सामने आती हैं। और ये देखिए एक जेन्युइन रीज़न है कि हाँ भी आप उसको इस वजह से विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपको टर्म्स कंडीशन सारे मान्य हैं तो आप क्यों विड्रॉ करेंगे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप विड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस विड्रॉ हो सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन को विड्रॉ कैसे किया जाए, ख़त्म कैसे कराया जाए। देखिए यदि पति पत्नी दोनों में साथ रहने का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, अब वो इस वजह से विड्रॉ करना चाहते हैं उसको क्योंकि अब वो साथ रहना चाहते हैं, वापस अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ में आना चाहते हैं, तो कुछ नहीं है, आपके पास दो रास्ते हैं कि एक तो है कि आप वहाँ पे जाके कोर्ट में जाके वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए, जज साहब को बता दीजिए कि हम दोनों जो हैं अब आपस में साथ रहना चाहते हैं, हमारे जो भी हम गिले शिकवे थे वो हमारे दूर हो गए हैं, अब हम साथ रहना चाहते हैं और हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो सबसे खुश उसमें आप दोनों के बाद जो होंगे वो जज साहब ही होंगे, वो बड़ी खुशी खुशी आपको मुबारक देंगे इस चीज़ की और आपका केस विड्रॉ कर देंगे, आपकी स्टेटमेंट वो ले लेंगे कि हाँ भी हम जो है इसको विड्रॉ करते हैं। अब दूसरा है कि यदि आप दोनों आप इकट्ठा रहना चाहते हैं लेकिन आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो आप मत जाइए कोर्ट में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपकी वेट करती रहेगी दोनों की, कितने दिन वेट करेगी, वो हो सकता है कि एक दो डेट लगा दे, लेकिन उसके बाद उनको उसको डिसमिस ही करना पड़ेगा, जब आप दोनों जाएंगे ही नहीं तो आप दोनों के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो उसको डिसमिस एज इनफ्रक्चुअस कर देगी कोर्ट और केस को ख़त्म कर देगी। दोनों ही सूरतों में आपका म्यूचुअल डाइवोर्स का केस ख़त्म हो जाएगा, एक होगा विड्रॉ करने पर, दूसरा होगा आपका डिसमिस एज इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, कोर्ट कर देगी। अब अगला पॉइंट लेते हैं कि यदि एक पार्टी तो म्यूचुअल डाइवोर्स चाहती है और दूसरी पार्टी अब म्यूचुअल डाइवोर्स से बैकआउट कर रही है, तो ऐसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यदि आप म्यूचुअल डाइवोर्स की टर्म्स कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो बट नेचुरल है कि आप उसको म्यूचुअल डाइवोर्स में नहीं डाइवोर्स लेना चाहेंगे, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से जो भी टर्म्स कंडीशन होंगी उस पर जाना चाहेंगे, तो ऐसे में फिर आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है कि आप कोर्ट में जाइए, आपकी डेट लगेगी, आप कोर्ट में जाइए, अगर डेट नहीं है दूर है तो आप एप्लीकेशन दे के उसको प्रीपोन करा के डेट ले लीजिए, वहाँ पर आप अपने अपीयर हो जाइए और कोर्ट को इन्फॉर्म कीजिए, आप अपने रीजंस दीजिए कि मेरे ये रीजंस हैं जिस वजह से मैं ये विड्रॉ करना चाहता हूँ या मैं इसको अब फ्यूचर डाइवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। कोर्ट हो सकता है कि आपको समझाए, आपको समझाने की कोशिश करें कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि वो आपका केस मीडिएशन में भेज दें कि आप अपने द्वारा से आप सेटलमेंट कर लीजिए इसमें जो भी आपको लग रही हैं चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन वो कोशिश करेंगे, अगर आपके जो स्टैंड है वो ठीक है आपका,
आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप अपने स्टैंड पे बने रहिए, आपने किसी के प्रेशर में नहीं आना है, ना ही कोर्ट के प्रेशर में आना है, ना ही मीडिएशन के प्रेशर में आना है। यदि आपको लगता है कि हाँ भी आपने अपने स्टैंड पे आप ठीक हैं तो उसमें है कि आपकी जब कंसेंट आपने अपनी वापस ले ली है, आपकी स्टेटमेंट वो लिख लेंगे, ठीक है जी आप नहीं लेना चाहते हैं, उसके बाद उनके पास क्या, उसके पास कोई चारा ही नहीं बनता कि आपको म्यूचुअल डाइवोर्स दे दें। वो एक पार्टी के बेसिस पर तो म्यूचुअल डाइवोर्स मिलता ही नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे एट द एंड कि या तो वो दूसरी पार्टी को कहेंगे कि वो विड्रॉ कर ले इसको, ठीक है ना, और या फिर वो डिसमिस एज इंफ्रक्चर्स हो जाएगा, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से विड्रॉ कर चुके, उसको आपने स्टेटमेंट दे दी अपनी, तो आपने विड्रॉ कर लिया तो वो दूसरी पार्टी को भी कहेंगे, और अगर वो नहीं करती है तो डिसमिस एज इंफ्रक्चर्स हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका था कि आप कोर्ट में जाकर भी कर सकते हैं जब एक तरफ से आपको कंसेंट है और एक तरफ से कंसेंट नहीं है। इसी में अगर हम दूसरा ले लेते हैं कि एक लेना चाहता है एक नहीं लेना चाहता, तो जो नहीं लेना चाहता है वो, हमने इससे पहले बात करी कि वो कोर्ट में जाए, अब हम कहते हैं कि वो कोर्ट में भी ना जाए। यदि किसी को भी पति या पत्नी जो भी है उसको प्रॉब्लम है कि हाँ भी मेरे को नहीं लेना डाइवोर्स और मैं कोर्ट में भी नहीं जाना चाहता, तो वो कोर्ट में ना जाए, वो घर बैठा रहे अपने, दूसरी पार्टी आएगी डेट पे आके चली जाएगी, कोर्ट उनसे पूछेंगे हाँ जी दूसरी जो दूसरी पार्टी नहीं आ रही है उसको बुलाओ आप, ठीक है ना। तो आपके तो अपने रीजंस हैं जिस वजह से आप नहीं जा रहे हैं, तो ठीक भी हैं रीजंस आपके, तो कोर्ट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा कोर्ट। हो सकता है कि कोर्ट आपको नोटिस भेज दे दोबारा से, सम्मन भेज दे, आप मत जाइए दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम्मन ले लीजिए मत जाइए। तो आप जब नहीं जाएंगे तो फिर दोबारा से कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती है, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स में जब तक आप दोनों के साइन नहीं होंगे तब तक डाइवोर्स मिलेगा ही नहीं। तो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि वो दूसरी पार्टी को बोलेंगे कि हाँ भी ठीक है या तो आप इसको ख़त्म करिए नहीं तो मैं इसको डिसमिस एज इंस्ट्रक्चर्स कर रही हूँ। तो किसी भी सूरत में कोई डरने की बात ही नहीं है म्यूचुअल डाइवोर्स में, ठीक है ना। आप जाएंगे तो अपने रीजन बता दीजिए वहाँ पे जाके, और वहाँ पे स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ अपना कंसेंट, या आप नहीं जाएंगे तो कोर्ट अपने आप समझ जाती है कि ये रीजन या कुछ भी रीजन हैं कि भी पार्टी नहीं आ रही है, और पार्टी नहीं आ रही है तो वो आगे नहीं चला सकते हैं उसको। लेकिन इस चीज़ों में जो भी मैंने आपको बताया, इसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो भी अपना कंसेंट विड्रॉ करना है, आपने बैकआउट करना है, तो आपने जो आपकी सेकंड मोशन स्टेटमेंट होती है, देखिए दो स्टेटमेंट्स होती हैं, फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट और सेकंड मोशन स्टेटमेंट, सेकंड मोशन स्टेटमेंट होने से पहले ही सब कुछ करना है, क्योंकि सेकंड मोशन स्टेटमेंट यदि आपकी हो गई तो उसके बाद जज साहब उसमें डिक्री कर देंगे, डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे, ये मैं लीगल आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड मोशन से पहले पहले, वैसे तो आप पहले ही शुरू से ही आप ध्यान रखिए कि फाइलिंग के टाइम या फाइलिंग ही मत करवाइए जब तक आपके हिसाब से चीज़ें ना हों। अगर फिर भी किसी वजह से फाइलिंग हो जाती है, बाद में आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उस चीज़ को कोर्ट के सामने लेके आइए, हो सके तो फर्स्ट मोशन से पहले ले आइए, फर्स्ट मोशन के बाद अगर मौका मिलता है आपको तो सेकंड मोशन से पहले पहले तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सेकंड मोशन भी हो गई है और उसके बाद आप जो है ये चीज़ें आप कोर्ट के सामने ला रहे हैं, तो कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, आपका डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का, जो कि म्यूचुअल डाइवोर्स को कैसे वापस लिया जाए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इन केस फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।